हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर संध्या आमहेड़ा एंड आई एम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर फ्रॉम गुजरात। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसमें मैं होम्योपैथी, होम्योपैथिक मेडिसिंस और अदर मेडिकल साइंस रिलेटेड कुछ भी नॉलेज हो अपना वो आपके साथ शेयर करने के लिए आई। हम जब स्टूडेंट होते हैं ना गाइस, तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है, पर जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तब हम वो धीरे धीरे समझना चालू करते हैं। तो मेरा ये पर्पस यही है मेन, कि एज अ स्टूडेंट मुझे क्या लैक लगा था और एज अ प्रैक्टिशनर मैं क्या सीखी हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दिस इज़ माई मटेरिया मेडिका सीरीज, और आज की मटेरिया मेडिका सीरीज की मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अभी हम लाइकोपोडियम शब्द को समझने की कोशिश करें तो लाइको ए एंड पोडियम इज अ ग्रीक नेम। तो लाइको का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो होता है वुल, और पोडोस का अगर करें तो वो होता है फुट। फुट को क्लोज भी कहा जाता है। अभी इसको ये नाम क्यों दिया गया? बिकॉज लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स होते हैं देट आर शेप्ड लाइक वुल पो। अब वुल्फ को मतलब जो वुल्फ होते हैं उनके पंजे का जो शेप होता है वैसे शेप का इसके स्पोर्स है। दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज वुल्फ क्लो। अदर देन वुल्फ क्लोज, लाइकोपोडियम के दूसरे नाम है क्लब मॉस एंड लैम्स टेल। दूसरी एक चीज हमें पूछी जाती है कि हु प्रूव्ड लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम को डॉक्टर हनीमैन सर ने प्रूव किया था फर्स्ट। जब हनीमैन ने लाइकोपोडियम को प्रूव किया था तभी उन्होंने फर्स्ट इसको एज अ एंटीसोरिक रेमेडी की तरह से प्रूव किया था, लेकिन आफ्टर रिपीटेड प्रूविंग इट प्रूव्स दैट लाइकोपोडियम अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन ऑन मल्टीपल डायमेंशन विथ डीपर इफेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नाउडेज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ पे पाया जाता है, तो मेनली रशिया, फिनलैंड, यूरोप, यूएसए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, खासी, कुसाई हिल, मणिपुर एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये हिल्स एरिया में और फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में जो पार्ट होता है, यूज होता है लाइकोपोडियम का, दैट इज स्पोर्स ऑफ लाइकोपोडियम। अभी जो स्पोर्स ऑफ लाइकोपोडियम है दैट आर इनर्ट, वो मेडिसिनल यूज में नहीं आ सकता जब तक उसको क्रश नहीं करा जाता। जब उसको क्रश करते हैं तब उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाहर आती है। अभी जो वो स्पोर्स है वो येलो कलर्स के दिखते हैं। ये जो येलो कलर्स के स्पोर्स है वो आपको केमिकल प्रॉपर्टी में और फिजिकल प्रॉपर्टी में दोनों ही सल्फर के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेबल सल्फर। अभी व्हाई वेजिटेबल सल्फर? क्योंकि सल्फर भी येलो कलर का पाउडर है और जो लाइकोपोडियम के स्पोर्स है वो भी येलो कलर के होते हैं। फर्स्ट ऑफ दैट एंड सेकेंड इन, जिस तरह से सल्फर भी हाईली इन्फ्लेमेबल है उसी तरह से जो लाइकोपोडियम के स्पोर्स है वो भी हाईली इन्फ्लेमेबल है। ओके? अभी इस वजह से उसको जो लाइकोपोडियम का जो स्पोर्स का पाउडर है उसको आर्टिफिशियल लाइट्स बनाने में यूज किया जाता था बाय ब्लोइंग इट थ्रू फ्लेम ऑफ कैंडल। और दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो वर्क एज जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में काम कर। तो प्रिपरेशन कैसे होती है, ये मेडिसिन कैसे बनाते हैं? तो ट्राइचुरेशन के प्रोसेस से बनाते हैं, जिसमें ट्राइचुरेशन ऑफ स्पोर ऑफ द मॉस विथ शुगर ऑफ मिल्क अप टू 12x, और उसके बाद उसका यूज होता है हायर पोटेंसी प्रिपेयर करने में विथ यूज ऑफ अल्कोहल।